एवरीवन, मैं कमलेश और आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आप सब लोगों का स्वागत है। जय श्री राम। जैसा कि आप सबको पता है, मैं रिलेशनशिप पे वीडियो बनाती रहती हूँ, लेकिन आज मैं आपके लिए रिलेशनशिप पे ही एक स्टोरी लेके आई हूँ, एक ऐसी मजबूर महिला की जो कि प्रेग्नेंट भी है और गरीब भी है, जिसके साथ कुछ ऐसे हादसे हुए जिसकी वजह से उसकी स्थिति बिल्कुल बदल गई। आपको स्टोरी में देखने से सब कुछ पता चल जाएगा। और उस महिला की एक कैशियर ने की जम के बेइज्जती और उसके बाद उसका क्या अंजाम हुआ, आप जब स्टोरी में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट मैं स्टार्ट करती हूँ। एक माँ अपनी बेटी के साथ मार्केट जा रही थी। आज बच्ची का जन्मदिन था। माँ प्रेग्नेंट भी थी लेकिन उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। लड़की बोलती है, मुझे भूख लगी है, मैं एक हॉट डॉग ले लें। माँ के पास पैसे नहीं थे। अपनी बेटी को सॉरी बोलती है, आई एम सॉरी बेटा, आज मेरे पास सिर्फ राशन के ही पैसे हैं। लेकिन बच्ची बोलती है, आज मेरा बर्थडे है। फिर माँ बोलती है, ठीक है आओ। वह एक दुकान पर जाती है और आवाज़ देती है, जरा सुनिए हॉट डॉग कितने का है। दुकानदार बोलता है, $3। उससे पूछा, क्या ये कार्ड चलेगा? दुकानदार ने बोला, नहीं सिर्फ कैश ही चलेगा। उसने अपने पर्स में देखा तो $2 ही थे। उसने कहा, क्या $2 लेंगे? तो वह दुकानदार चिढ़ गया और बोला, मैंने यहाँ कोई लंगर नहीं खोल रखा है, पूरे पैसे दो। माँ बेचारी अपनी बेटी को फिर से सॉरी बोलती है और बेटी को समझाती है, वादा करती हूँ घर पहुँचते ही कुछ भी बनाकर खिला दूंगी। ठीक है, बेटी माँ के गले लग जाती है और बोलती है, ठीक है। रास्ते में एक भिखारी मिलता है और वह बोलता है, कुछ मदद कर दीजिए। वह प्रेग्नेंट लेडी बोलती है, काश मैं कर पाती। और भिखारी को बताती है, सच कहूँ मेरे से ज़्यादा पैसे आपके पास हैं। भिखारी बोलता है, सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन आपके आने वाले बच्चे के लिए एडवांस में बधाइयाँ। लेडी थैंक यू बोलती है और उसे बोलती है, उम्मीद है आपका दिन अच्छा रहेगा, और वहाँ से चली जाती है। एक दुकान में राशन खरीदने जाती है और वहाँ लेडी कैशियर से वह लेडी पूछती है, क्या यहाँ बिग कार्ड लेते हैं? तो कैशियर लेडी बड़े गर्वीले अंदाज में बोलती है, क्या तुम उनमें से हो? लेडी ने बोला, मैं समझी नहीं। वह बताती है, क्या तुम जानती हो मुझे जब काम करना पड़ता है कितना गुस्सा आता है, और तुम लोग घर में आराम से बैठकर मेरे दिए गए टैक्स से मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो। लेडी बोलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बेटी भी बोलती है, हाँ आप नहीं जानती इन पर क्या बीत रही है। माँ बेटी को चुप कराते हुए बोलती है, मुझे चुप ही रहना चाहिए था। फिर वह कैशियर बोलती है, हाँ कार्ड्स एक्सेप्ट करते हैं। वह अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से बोलती है, चलो, और सामान बास्केट में डालती है। और बड़े ही घमंड के साथ वह कैशियर सामान का रेट जोड़ती है। उसे ऐसा लग रहा जैसे वह उस औरत पर एहसान कर रही हो। वहीं पर वह भिखारी भी आ जाता है और वह बताती है, आपके 1298 रुपये हुए। वह एक केक का पैकेट देते हुए बोलती है कि यह भी डाल दीजिए। लेकिन वह कैशियर लड़की बोलती है, इसका बिल मुझे अलग से बनाना पड़ेगा। वह लेडी पूछती है, ऐसा क्यों? तो वह उसे शर्मिंदा करते हुए बोलती है, जैसे आपको पता नहीं, अनजान बनने की जरूरत नहीं है। तुम अपने विक कार्ड में केक मिक्सचर जैसी लग्जरी चीज नहीं खरीद सकती। लेडी बोलती है, आई एम सॉरी, मैं पहली बार कार्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका कितना होगा? मैं कैश दे दूंगी। कैशियर बोलती है, $210। अरे यार फिर इसे वापस रख लो, क्योंकि उसके पास $2 ही होते हैं। तो बेटी दुखी होकर बोलती है, मेरे बर्थडे पर हम केक खाने वाले थे। माँ बोलती है, जानती हूँ बेटा, मैं वादा करती हूँ कि मैं घर पर कुछ बना दूंगी। वही भिखारी सब कुछ सुन रहा था और वह उनकी मदद के लिए कुछ पैसे देने लगा, लेकिन वह लेडी लेने से इनकार करती है, मैं यह नहीं ले सकती, लेकिन इसके लिए शुक्रिया, आपने हमारे बारे में सोचा। लेकिन भिखारी जिद करता है, ले लो प्लीज। उसी वक्त वह कैशियर लेडी ताने मारती है, नहीं उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, वो तो पहले ही मुफ्त का सामान ले चुकी है। वह भिखारी बोलता है, लेकिन यह प्रेग्नेंट है और एक बेटी भी है, मुझे बुरा लग रहा है। तो वह कैशियर फिर बोलती है, आपको क्या लगता है यह प्रेग्नेंट क्यों हुई है? ताकि सबकी सहानुभूति ले सके। उस लेडी को बुरा लगता है और वह बोलती है, मैं कुछ कहूँ, किसी को जाने बगैर उसके बारे में फैसला नहीं करना चाहिए। तो कैशियर लेडी बोलती है, तुम्हें मेरी बातें इतनी ही बुरी लग रही हैं तो यह आलसीपना छोड़कर कुछ काम क्यों नहीं कर लेती तुम?
वह लेडी बोलती है, मैं काम करती थी, मेरा अपना बिजनेस भी था। उसे अपनी स्टोरी सुनाती है, पिछले कई सालों से मैं अपने पति के साथ मिलकर अपना रेस्टोरेंट चलाती थी, कस्टमर्स की लाइन लगी रहती थी और बिजनेस दिन ब दिन बढ़ रहा था। हालांकि बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन हमें बहुत मजा आता था। जब हमें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम खुश थे कि हमारे यहाँ दूसरा बच्चा होने वाला है। लग रहा था जैसे हमारे सारे सपने पूरे होने का वक्त आ गया है। और फिर एक दिन मैंने अपनी बेटी के साथ घर पर रहने का फैसला किया और मेरे पति काम पर चले गए। उन्होंने जाते हुए मुझे किस किया और कहा कि वो जल्दी वापस आएंगे, लेकिन वो कभी घर लौटकर वापस नहीं आए। एक पुलिस ऑफिसर ने आकर मुझे बताया कि मेरे पति की कार का एक्सीडेंट हो गया और वो बच नहीं पाए। रोने के सिवाय मेरे पास और कोई चारा नहीं था। पति के जाने के बाद प्रेग्नेंट होने की वजह से अकेले रेस्टोरेंट नहीं चला सकती थी, इसलिए मैंने वो रेस्टोरेंट बंद कर दिया और वह जगह भी छोड़ दी। मैंने गुजारा करने की कोशिश की, मैंने छोटा घर ले लिया और अपने खर्चे भी कम कर दिए। लेकिन जब लगा कि मैं अपनी बेटी का भी पेट नहीं पाल सकती, तब मैंने सरकार की मदद लेने का फैसला किया। वह उस कैशियर लेडी को बताती है, इसका मतलब मेरे पास भी काम था और पति भी, लेकिन सब खत्म हो गया। वह उसे बताती है कि मेरे लिए सरकार की मदद लेना आसान नहीं था, मुझे भी बुरा लगता था, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए और होने वाले बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। भिखारी बड़े दुख के साथ, अफसोस आपको ये झेलना पड़ रहा है, आई एम सो सॉरी, उसे धन्यवाद देती है। लेकिन स्टोरी सुनने के बाद भी कैशियर महिला मजाक उड़ाती है, क्या कहानी बनाई है। सच में मैं तो इमोशनल हो ही गई मजाकिया अंदाज में, और बोलती है, एक बात कहूँ, कभी कोई काम करने का मूड हो तो एक्ट्रेस का काम आसानी से मिलेगा। वह लेडी बोलती है, कहानी सुनने के बाद भी तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है। वह चिढ़कर बोलती है, देखो मेरे पास फालतू कहानियों के लिए टाइम नहीं है और मुझे काम भी करना है। फिर पूछती है, तुम्हें यह केक चाहिए या नहीं। भिखारी बोलता है, प्लीज ले लो ना, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। उसे धन्यवाद बोलती है और ले लेती है, पर बोलती है मैं पैसे वापस कर दूंगी। भिखारी बोलता है, अरे नहीं, अपनी बेटी को हॉट डॉग खिलाना और इसके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लेना। लड़की भी थैंक यू बोलती है। वह लेडी बोलती है, समझ नहीं आता क्या कहूँ। और वह भिखारी बोलता है, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, और पैसे कैशियर कार्ड से एक्सेप्ट कर लेती। माँ बहुत खुश होती है, अपनी बेटी से पूछती है, तैयार हो बेटा स्ट्रॉबेरी केक खाने के लिए। बेटी बोलती है, बिल्कुल तैयार हूँ, और दोनों खुश होती हैं। इसी बीच उसकी सहेली उसी जगह आ जाती है और वह पहचान लेती है और दोनों को मिलकर काफी अच्छा लगता है और पूछती है, तुम यहाँ कैसे। तभी वह कैशियर बड़े गर्वीले अंदाज में यह लो छुट्टे और उसका कार्ड वापस करती है और वो बोलती है, आपका दिन अच्छा रहे। वह लेडी थैंक यू बोलती है कैशियर को और भिखारी को भी धन्यवाद देती है और कहती है, मैं किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं। भिखारी बोलता है, कोई बात नहीं, और बच्ची को फिर से हैप्पी बर्थडे बोलता है। वह वहां से जाने लगती है, चलो बेटा, और सहेली को बोलती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और बेटी को बोलती है, चलो तुम्हें हॉट डॉग दिलाती हूँ। बेटी ने बोला, सच में लेंगे। माँ ने कहा हाँ। उसकी सहेली पीछे से आती है और उससे पूछती है, क्या एक मिनट बात कर सकती हूँ, दरअसल मुझे तुमसे कुछ काम था। वह बोलती है, हाँ क्यों नहीं बताओ। जानती हो तुम्हारे जाने के बाद मेरा दूसरा किरायेदार सिर्फ 6 महीने ही टिक पाया, रेस्टोरेंट कैसे चलता है तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। वह बोलती है, थैंक यू। पुराने कस्टमर्स अब भी आकर तुम्हारे बारे में पूछते हैं, मैं बस ये पूछना चाहती थी, क्या तुमने कभी दोबारा रेस्टोरेंट खोलने की नहीं सोचा। उसने बोला, मैं तुम्हारी सोच की कद्र करती हूँ, लेकिन इस बीच बहुत कुछ बदल चुका है। अब मेरे साथ पार्टनर के तौर पर मेरे पति नहीं है, इसलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, बट थैंक यू। वह बोलती है, मैं तुम्हारी पार्टनर बन जाऊं तो, और वो भी 50-50 पर। वह बोलती है, यह भी नहीं हो सकता, मेरे पास 50% लगाने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि गुजारा ही मुश्किल से हो रहा है। हाँ, सारा पैसा मैं लगाऊंगी, वह लेडी बोलती है, हम रेस्टोरेंट को चलाने के लिए एक मैनेजर रख लेंगे, इसलिए तुम्हें सारा दिन खड़े रहने की भी जरूरत नहीं होगी, तुम्हें सिर्फ कस्टमर्स का ध्यान रखना होगा और बाकी सब कुछ हम देख लेंगे। तो क्या ख्याल है, सच में आश्चर्य के साथ मैं। बेटी बोलती है, माँ हाँ बोल दो ना, आप हमेशा रेस्टोरेंट की ही बातें करती रहती हैं और आपको सारा काम भी नहीं करना पड़ेगा, तो देखा, लगता है अच्छा वक्त फिर से आने वाला है। तो क्या चाहती हो, बोलो बोलो। वह बोलती है, अच्छा ठीक है, यस,
माँ बेटी दोनों इकट्ठे फिर से रेस्टोरेंट खोलने को लेकर बहुत खुश है। कुछ हफ्ते बाद उन्होंने फिर से रेस्टोरेंट की ओपनिंग की। उसके पुराने ग्राहक उसके दोबारा आने से खुश थे और उसे सपोर्ट करने के लिए आगे आए। जल्दी ही बिजनेस चल निकला, टेबल हमेशा फुल रहती और ग्राहक हमेशा खुश। उस लेडी का रेस्टोरेंट फिर से बहुत अच्छी तरह चलने लगा, लेकिन थोड़ी मदद के साथ माँ बेटी पुराना घर वापस लेने में कामयाब हो गए। सब कुछ अपने आप ठीक होता जा रहा था, सभी लोग और आने वाला बच्चा बहुत खुश थे। कुछ महीनों बाद और फिर एक दिन वह लेडी उसी रेस्टोरेंट पर फिर से वापस आई और वहां देखती है एक आदमी के साथ वैसा ही व्यवहार करते हुए उस कैशियर लेडी को, और उस आदमी को बोलती है तुम इसकी बातों पर ध्यान मत देना। वह कैशियर, एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन और आप मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रही हो? वह लेडी उस आदमी को बोलती है एक काम कीजिए, आप ये सामान ले लीजिए, बिल मैं दे दूंगी। हाँ, वह आदमी धन्यवाद करता है। लेडी बोलती है कोई बात नहीं। वह कैशियर उस लेडी को बोलती है मालकिन होने का नाटक क्यों कर रही हो? तब वह बोलती है मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ की मालकिन हूँ लेकिन पार्टनरशिप में हूँ, हमने रेस्टोरेंट बंद कर दिया है, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हो सकता है। वैसे ही जैसा इन्होंने कहा था, किसी के बारे में फैसला करने से पहले उसे अच्छी तरह जान लेना चाहिए, भिखारी भी आके बोला और लड़की को खाने का सामान देते हुए, लड़की थैंक यू बोलती है तो भिखारी वेलकम, और ये तुम्हारे बाकी पैसे। वह लेडी बोलती है कोई बात नहीं आप रख लीजिए, सच में थैंक्स, भिखारी बोलता है। वह सदमे में, एक मिनट तुम तो, भिखारी को देखकर। तब वह लेडी बताती है राजर हमारे रेस्टोरेंट का मैनेजर है और अब इस जगह को भी यही संभालेंगे। वह कैशियर लेडी, दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं एक बेघर आदमी के नीचे काम नहीं कर सकती हूँ। वह लेडी बोलती है उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें निकाल रही हूँ। कैशियर लेडी क्या सच कह रही हो? वह चिढ़कर, वैसे भी ये जॉब मुझे पसंद नहीं थी, और वहां से चली जाती है। सभी उसे बाय बाय कहते हैं। उसकी सहेली पूछती है तो कैसा लग रहा है? वह लेडी बोलती है झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत अच्छा लग रहा है। लड़की बोलती है इसी खुशी में आज स्ट्रॉबेरी केक बनाए। माँ बोलती है बनाते हैं। इस स्टोरी से यह सीख लेना चाहिए, वास्तव में किसी को जानने से पहले आपको उसके बारे में धारणा नहीं बनानी चाहिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और याद रहे कि हम सिर्फ स्टोरी नहीं सुना रहे हैं, यहाँ हम जिंदगी बदल रहे हैं, और अगर आप हमारे वीडियो को शेयर कर रहे हैं तो आप जिंदगी बदलने में हेल्प कर रहे हैं। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी देखना चाहते हैं और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और स्टार देके हमें सपोर्ट करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक आप सब लोगों को जय श्री राम।